नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में आए हुए हैं, जहां पर बड़हलगंज क्षेत्र में बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ है। इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि यूपी पुलिस लाठी चलाने पर मजबूर हो गई। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आए हुए हैं, जहां बड़हलगंज कस्बे में बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ है। बता दें कि इसी बीच बाबा के दिव्य दरबार में अचानक पूरा भगदड़ मच गया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी। भगदड़ में कुछ महिलाएं भी घायल हो गई। इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का कहना था कि हमारे सिपाहियों के हाथ में डंडा ही नहीं था, जबकि एक वीडियो में पुलिस के हाथ में डंडा दिख रहा है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बार बार आगाह के बाद भीड़ किसी तरह से नियंत्रित हुई। बड़हलगंज कथा स्थल पर जुटी भीड़ को संभालने में अपने को विफल देख प्रशासन बार बार कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से दिव्य दरबार समाप्त करने का आग्रह करने लगा। इसके चलते दिव्य दरबार को समय से पूर्व समाप्त करना पड़ा। बता दें कि बड़हलगंज कस्बा और कथा स्थल पर जुटी भीड़ को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह फेल रही। न तो कथा स्थल पर पुलिस कर्मी भीड़ को संभाल पा रहे थे और न उपनगर की सड़कों से जाम हटवा पा रहे थे। ऐसे में पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान भीड़ को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने लाठी भी भाजी, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं रहा। दिव्य दरबार के दौरान भीड़ के बीच फंसी महिलाएं बेहोश होकर गिरती रही, जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। भीड़ में गोरखपुर से आई एक महिला का बच्चा दब गया, जिसको बचाने के लिए वे गुहार लगाती रही। अंत में पुलिस और सेवादारों की तत्परता के चलते किसी तरह बच्चे को बचाया जा सका। इसी दौरान भीड़ में एक महिला का पैर भी टूट गया। इस पूरे मामले के दौरान एक युवती अर्चना वर्मा बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच पुलिस कर्मी ने उस युवती के ऊपर लाठी चला दी, जिससे युवती का सिर फट गया, जिसके बाद पीड़ित युवती लगातार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करती रही। दरअसल इस पूरे मामले में वही पुलिस कर्मियों का कहना है कि हमारी जो भी पुलिस कथा स्थल पर तैनात थी, उनमें से किसी के हाथ में डंडा नहीं था। भगदड़ मची, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस वालों ने अपनी तरफ से प्रयास किया। आपको बता दें कि फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन देखने को मिलता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।